इंडिया टुडे ने अपने एक हालिया फैक्ट चेक में अभिनेता और एफटीआईआई के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र चौहान के एक ट्वीट को फेक बताया। चैनल के मुताबिक गजेंद्र चौहान के नाम पर एडिटेड स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था आई एम विद श्रृंगी यादव, नेशन विद अ नेशनलिस्ट। इसके साथ ही हैशटैग आई स्टैंड विद श्रृंगी यादव का भी इस्तेमाल किया गया था। इंडिया टुडे के फैक्ट चेक के मुताबिक गजेंद्र चौहान ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यूपी के गाजियाबाद में एक शख्स श्रृंगी यादव ने मुस्लिम समुदाय के नाबालिग लड़के को इसलिए पीटा क्योंकि उसने मंदिर में पानी पिया था। यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आवाज उठाई और गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल उसे जमानत पर रिहा किया गया है। इंडिया टुडे ने इस ट्वीट को फेक बताते हुए ये कारण दिए, पहला कि ट्विटर एडवांस सर्च में ये ट्वीट सामने नहीं आता, और दूसरा स्क्रीनशॉट में तारीख और समय ट्विटर फॉर्मेट के मुताबिक नहीं दिखते हैं। असल में गजेंद्र चौहान ने गाजियाबाद में नाबालिग लड़के को पीटने वाले श्रृंगी यादव के समर्थन में ट्वीट किया था। हम आपको उस ट्वीट का आर्काइव किया हुआ वर्जन दिखा रहे हैं। इस ट्वीट का आर्काइव लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इंडिया टुडे ने तारीख और समय के फॉर्मेट के आधार पर इस ट्वीट को फर्जी बताया, लेकिन फोन सेटिंग में अंतर जानने पर पता चल जाता है कि जरूरी नहीं है कि सभी डिवाइसेस में एक जैसा ही फॉर्मेट दिखे। यहां हम आपको गजेंद्र चौहान का एक और ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें तारीख का फॉर्मेट डेट, मंथ और ईयर का है, और समय में एएम या पीएम नहीं लिखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ट्वीट एक आईफोन में खोला गया है, जिसमें 24 घंटे की टाइम सेटिंग है। यही ट्वीट जब हम एक एंड्रॉइड फोन में खोलते हैं, जिसमें 12 घंटे की टाइम सेटिंग होती है, तो फॉर्मेट बदल जाता है। गजेंद्र चौहान का यह ट्वीट डिलीट किए जाने से पहले ही बड़ा मुद्दा बन चुका था। फिर भी इंडिया टुडे के फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट को इसकी भनक नहीं लगी और उन्होंने यह फैसला सुनाया कि गजेंद्र चौहान ने यह ट्वीट किया ही नहीं था। यह भी गौर किया जाए कि इंडिया टुडे की गलत फैक्ट चेक रिपोर्ट की वजह से इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को फेसबुक पर फेक टैग मिल गया। हालांकि बाद में जब ऑल्ट न्यूज ने इस बाबत अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात शुरू हुई, तो इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने अपनी गलती मानी और रिपोर्ट ठीक किए जाने की बात कही।